Morning students, today we are going to discuss the next variation, that is inverse variation. हमने जो पहले examples लिए थे, situation लिए थी, उसमें कई example ऐसे भी थे जहां पे एक quantity increase हो रही थी तो उसकी corresponding quantity decrease हो रही थी. तो आज हम कुछ ऐसे question लेंगे जहां पे आपके पास two quantities ऐसे एक दूसरे पे dependent होगी कि एक में increase होगा तो उसकी corresponding quantity दूसरी decrease होगी. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं. तो इसके लिए मैंने एक टेबल में कुछ डाटा हमारे पास दिया है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. यहाँ पे तो यहाँ पे जो टेबल बना है वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मैन और डेज के बारे में दो क्वांटिटीज दी हुई है. जैसे पांच आदमी 40 दिन में अपने काम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन अब आपके पास नेक्स्ट कॉलम में वही मैन 10 बन गए तो वो उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट 25 मैन और उसी काम को कंप्लीट करने को, सेम वर्क को 8 दिन लगाते हैं. लास्ट में 50 वर्कर्स हैं और वही काम वो 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं. अगर आप इस टेबल को यहाँ पे देखें ध्यान से, तो जब आपके पास मैन 5 थे तो 14 डेज थे, लेकिन जब मैन 10 हो गए तो आपके डेज क्या हो गए, कम हो गए. ऑब्वियसली मैन पावर ज्यादा होगी तो काम जल्दी होगा, तो डेज क्या हो गए आपके, कम हो गए, 25 हो गए तो 8 हो गए. लेकिन अगर ध्यान से देखें, जैसे आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है. तो ये एग्जाम्पल आपके पास एक इनवर्स वेरिएशन का है. इसमें एक और हम चीज देखेंगे, अभी नोट करेंगे कि आपके पास ये दोनों चीजें कैसे आपस में सेम रहती है. अब मैं यहाँ पे 5 और 40 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 × 40. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 40, वी गेट 200. 10 × 20, वी गेट 200. 25 × 8, वी गेट 200. We get 200. वैसे ही 15 × 4 आपके पास जब हम लिखेंगे तो उनका प्रोडक्ट 200 आएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो क्वांटिटीज आपस में, जब मैंने इनको प्रोडक्ट लिया इनका तो सेम आ रहा है. तो जब भी आपके पास इनवर्स वेरिएशन होगी तो उन दो क्वांटिटीज में प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. चाहे आप किसी भी कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. तो जब भी अगर हम चाहते हैं कि यहां से हमारे पास एक कोई रिजल्ट आ जाए तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. अगर नंबर ऑफ मैन को मैं एक्स ले लू यहाँ पे, और डेज को मैं अगर वाई ले लू, और अब मैं जनरल में लिखूं कि एक्स और वाई आपस में इनवर्स वेरिएशन के तहत एक दूसरे से लिंक्ड है, मतलब एक्स और वाई इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, तो आपका एक रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमेशा आपके पास क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के. के स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट, मीन्स एक्स और वाई अगर इनवर्सली वेरी कर रहे हैं तो उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. टेक वन मोर क्वेश्चन हियर. रनिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अ बस कंप्लीट्स अ जर्नी इन 4:1.2 आवर. हाउ मच टाइम विल द रिटर्न जर्नी टेक इफ द स्पीड इंक्रीज टू 45 किलोमीटर पर आवर. तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपके पास दिया क्या है. इस क्वेश्चन में आपके पास तो एक बस है जिसकी स्पीड आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर है, और वो उस किसी डिस्टेंस को कंप्लीट करने में टाइम ले रही है 4:1.2 आवर या 9/2 आवर. अब आपके पास एक केस तो आपका समझ गया, 9/2 आवर्स में वो अपना डिस्टेंस कंप्लीट करती है इस स्पीड पे. अब जब वो वापस आती है तो अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, इंक्रीज करती है, तो स्पीड आपके पास हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर. अब आपको सोचना पड़ेगा कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाती है. जब वो स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज क्यों कर रही है, ताकि जल्दी पहुंचे. सपोज कीजिए आप स्कूल को लेट हो रहे होते हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं ताकि टाइम कम लगे. तो यहां से एक हमको रिजल्ट ये मिलता है कि टाइम और स्पीड वेरी कैसे करते हैं, इनवर्सली वेरी करते हैं.
टाइम एंड स्पीड ऑलवेज वेरी इनवर्सली। तो यहाँ पे आपके पास एक तो क्लियर हो गया कि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, और इनवर्स वेरिएशन के लिए हम टेबल बनाते हैं, लेकिन टेबल बनाने के लिए पहले आपको सपोज करना पड़ेगा कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम बिकॉज स्पीड इज गिवन टू अस। तो हमने यहाँ पे लिख लिया लेट द रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स हमारे पास वो चीज आएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट कॉलम में हम उसको भरो जो आपके पास दिया होता है, जो कंप्लीट हमारे पास कॉलम बन सकता है। जैसे टाइम, टाइम कितना दिया हमारे पास यहाँ पे 4:1/2 आवर। तो यहाँ पे हमारे पास 9/2 में यहाँ पे लिख रहा हूं आवर्स में ये। नेक्स्ट स्पीड क्या थी 40, स्पीड एट दिस टाइम इज 40। ये तो हमको कंप्लीट दिया हुआ था, लेकिन दूसरे केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या फिट कर दिया 45, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक्स है। टाइम के कॉलम में आपके सामने आएगा। अब देखिए टेबल कंप्लीट हो गया। अब इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन में मैंने आपको क्या बोला था कि इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा अगर इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। जनरली एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के मीन्स ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है कि इसमें प्रोडक्ट सेम रहेगा। 9/2 × 40 करेंगे इज इक्वल टू एक्स इंटू 45। यहाँ पे आप लिख लेंगे 9/2 × 40 इज इक्वल टू एक्स इंटू 45। अब यहाँ पे जैसे सिंपल मैथमेटिक्स है उसको आप सॉल्व कीजिए। 20 से चला गया आपके पास, वी गेट 9 × 20 45 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यू विल राइट 9 × 20/45 दैट इज इक्वल टू एक्स। 9 × 5 = 45 और 5 × 4 = क्या हो जाएगा आपके पास 20। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x = 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमको फाइंड आउट करनी थी। बट व्हाट इज x? x इज द टाइम जो हमको फाइंड आउट करना था। इट मीन्स x आवर्स, और यहां भी क्या जाएगा प्लस एक्स आवर्स। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर हैज एनफ मनी टू बाय 40 बुक्स, ईच कॉस्ट ₹125। हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 और ईच बुक। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक शॉपकीपर के पास एक बुक की कॉस्ट अगर 125 है तो वो 40 बुक्स खरीदने के ही पैसे हैं उसके पास। फिर सुन लीजिए, एक शॉपकीपर के पास 40 बुक्स खरीदने के ही पैसे हैं अगर एक बुक की कॉस्ट कितनी है ₹125। सेकंड लाइन में आइए, हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ ₹25 ऑन ईच बुक। अब क्या बोला है, अगर उसको एक बुक की कॉस्ट में डिस्काउंट दे दे, मीन्स जो बुक उसको 125 की पड़ी थी 25 लेस कर दे, तब वो कितनी बुक खरीद पाएगा? ऑब्वियसली ज्यादा खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होगी तो उसी पैसे के वो ज्यादा बुक्स खरीद सकता है। तो हम सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ बुक्स ही गेट आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि जो बुक्स हमको मिलेगी वो आफ्टर डिस्काउंट बाद मिलेगी। तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही गेट्स आफ्टर डिस्काउंट इज एक्स। अब कॉस्ट ऑफ बुक आफ्टर डिस्काउंट, अब डिस्काउंट देने के बाद उसको बुक की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डिस्काउंट दिया गया, पहले 125 की थी, डिस्काउंट के बाद आपकी उसकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी वो आपको बतानी पड़ेगी, दैट इज 125 - 25। तो कितना आ गया आपके पास ₹100, दैट इज ₹100। तो पहले 125 की थी, आफ्टर डिस्काउंट उसी की कॉस्ट कितनी होगी 100 होगी। नाउ पुट द वैल्यूज इन द गिवन टेबल। नंबर ऑफ बुक्स आपके पास थी 40, कॉस्ट पर बुक इज इक्वल टू 125 थी। नेक्स्ट केस में आपके पास जब डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट मिलने के बाद आपके पास जो कॉस्ट थी वो कम होगी, और आपके पास नंबर ऑफ बुक्स जो हमारा क्वेश्चन है कितनी थी उसको हमने एक्स ले लिया है। अब देखिए डिस्काउंट के बाद आपकी बुक्स ज्यादा आएंगी, तो इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन आप यहाँ पे लिखेंगे, और आप जानते हैं जब इनवर्स वेरिएशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्या सेम रहते हैं उनका,
प्रोडक्ट सेम रहता है आपके पास, देन वी राइट एक्स वाई इज इक्वल टू के। यहां से क्लियर हो जाएगा कि इनका आपके दो टू क्वालिटीज का प्रोडक्ट सेम रहता है। नाउ 40 इंटू 125 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100, 100 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 40 इंटू 125 देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 10 से 10, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 25। इन दिस वे यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू 50, एक्स इक्वल टू 50। अब देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी 50, बट व्हाट इज 50, एक्स क्या है और 50 क्या है। एक्स इज द नंबर ऑफ बुक्स जो हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू 50 बुक्स। और यहां भी आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स बुक्स। अब यहां पे देख लीजिए डिस्काउंट के बाद क्या हो रही है आपके पास, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हो रही है। तो आप यहां से लास्ट में फिर से चेक कर सकते हैं कि हमने वेरिएशन यहां पे ठीक अप्लाई की हुई है, तो नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन ऑफ 30 डेज, एट द एंड ऑफ 5 डेज 5 मोर मैन जॉइन देम, हाउ मेनी डेज दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन। अगेन रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज गैरिसन। गैरिसन मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो किसी बिल्डिंग में या किसी दुर्ग में उसकी प्रोटेक्शन के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, वहां पे 120 मैन का प्रोविजन था 30 डेज के लिए, लेकिन पांच दिन के बाद वहां पे पांच आदमी और आ जाते हैं। अब जहां पे 120 थे, पांच और हो गए तो कितने हो गए 125। अब वो कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है कि वो खाना वो कितने दिनों तक यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो डेज रिमेन टू सस्टेन, पहले आपके पास 30 डेज थे लेकिन पांच दिन चले गए, तो हमारे पास जो डेज रह गए वो 25 डेज रह गए, दैट इज 30 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 25 डेज। अब 25 डेज हमारे पास सस्टेन करने के लिए रह गए, एट द एंड ऑफ 5 डेज जब पांच दिन हो गए उसके पांच और लोग आ गए तो कितने हो गए आपके पास 120 प्लस 5 मैन सस्टेनिंग फॉर, वो कितने दिनों सस्टेन कर पाएंगे वो हमने यहां पे फाइंड आउट करना है। तो मैं सिर्फ एक बार फिर से थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, गैरिसन था ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो 30 डेज तक प्रोविजन था उनके वहां रहने का, पांच दिन के बाद पांच आदमी और आ जाते हैं तो वहां पे हो गए 125 डेज, लेकिन डेज कितने रह गए आपके पास 25 डेज रह गए। तो उसके लिए आपने यहां पे जो टेबल है उसको ध्यान से भरना है। तो नंबर ऑफ मैन आपके पास कितने थे पहले 120, अब डेज क्या रह गया आपके पास यहां पे 25, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 25। अब नंबर ऑफ मैन बढ़ गए, कितने बढ़ गए 5 इंक्रीज हो गए, देन वी गेट 125। नेक्स्ट अब आपको डेज फाइंड आउट करना है, तो डेज आपके पास क्या होगा एक्स होंगे। अब देखिए क्लियरली इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि 120 आदमी थे और डेज 25 थे, अब आदमी बढ़ गए ऑब्वियसली डेज क्या हो जाएंगे वहां पे कम हो जाएंगे, तो 120 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। अब 125 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड वी विल गेट एक्स 25 फाइव जा 5 24, then we get the value of x is equal to 24. अब देखिए यहाँ पे पहले तो मैंने यहाँ पे x into y is equal to k नहीं लिखा, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लिखे या तो ना लिखे। नेक्स्ट आपके 24 डेज आ गए, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया है वो इस डे से कम ही आएगा, क्यों आएगा क्योंकि अब आपके पास पर्सन ज्यादा हो गया है, तो डेज क्या आएंगे आपके पास कम आएंगे। थैंक यू।